वेलकम टू माय चैनल, दिस इज अमन परमार। सो आज मैं आपके लिए लाई हूँ मी ग्लो की ये किट है। एक्चुअली ये फेशियल किट नहीं है, ये एक स्किन केयर की किट है जो कि है स्किन ब्राइटनिंग फॉर परफेक्ट स्किन ब्राइटनिंग गिफ्ट पैक है ये। एक्चुअली ये मेरा बर्थडे था जब मुझे गिफ्ट मिला था, मेरे ऑफिस में मैम है, उन्होंने मुझे ला के दिया था। तो मुझे ये इन जो प्रोडक्ट थे बहुत अच्छे लगे, जितने मैंने यूज़ किया। मैंने इसमें यूज़ किया, एक तो मैंने फेस वॉश यूज़ किया और मैंने एक स्क्रब यूज़ किया। मैं आपको थोड़ा सा लगा के दिखा देती हूँ हाथ पे। तो ये इस तरीके से कोई पैकिंग है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने कहाँ से ली और उनको कहाँ से मिली, लेकिन उन्होंने मुझे तो ये है मी ग्लो का एप्रिकोट स्क्रब, ठीक है। तो पैकिंग अच्छी है, बिग है, खूबसूरत सा कलर है और मुझे ये भी नहीं पता ये कहाँ से मिलते हैं, सॉरी। तो ये पैकिंग है इसकी, मतलब कि अगर आपको मार्केट में ये मिले तो ये अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें इसका प्राइस वगैरह भी नहीं लिखा हुआ, मेंशन नहीं किया हुआ, आई थिंक सो ये एज ए गिफ्ट ही है। सो इसमें कोई प्राइस वगैरह मेंशन नहीं है। प्रोडक्ट है 100 रुपये का, 100 रुपये का है ये मी ग्लो का स्क्रब है ये, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 2023 तक, ये बेस्ट बिफोर है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा माइल्ड सा स्क्रब था, बिल्कुल भी हार्श नहीं है आपकी स्किन के ऊपर। और इसके जो पार्टिकल्स हैं ना बीच में, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, माइल्ड हैं, ऐसे तीखे नहीं हैं, बिल्कुल तीखे नहीं हैं। देखिए बिल्कुल बारीक बारीक है और पूरी आपकी स्किन को ना अच्छे तरीके से, मतलब कि रिलैक्स करते हैं। तो मुझे अच्छा लगा। और ऐसे नहीं कि गंदगी नहीं साफ करेंगे, गंदगी भी साफ करते हैं और क्लीन कर देते हैं आपके फेस को। तो ये मुझे फेस वॉश बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने यूज़ किया था ये फ्रूट फेस वॉश, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसका भी मैं आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ, स्मेल्स गुड, स्ट्रॉबेरी की आ रही है, ओह माय गॉड, जा भी भूल गया, ठीक है। ये देखिए स्ट्रॉबेरी अच्छी है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा लगता है, ज़्यादा नहीं लगता, बिल्कुल बूंद जितना लगता है लेकिन निकल जाता है। पैराबेन फ्री है ये वाला प्रोडक्ट और इसमें लिखा हुआ है पैराबेन फ्री। हाँ, ये सारे प्रोडक्ट हैं जो वो पैराबेन फ्री हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो ये पैराबेन फ्री है और इसका प्राइस भी 100 रुपीज़ है, ठीक है। इसका प्राइस भी 100 रुपीज़ है। और ये फेस वॉश है जो स्ट्रॉबेरी का फ्रूट फेस वॉश, पैराबेन फ्री स्मूथ फ्रेशिंग जो फेस मास्क है, सॉरी फेस वॉश है, ये भी पैराबेन फ्री है। सो ये दोनों प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मैंने यूज़ किए हैं। और उसके बाद भी है रिफ्रेशिंग फॉर्मूला, एंटी डिहाइड्रेशन शील्ड है इसमें। इस फेस वॉश पे अलग से मेंशन किया हुआ है कि ये एंटी डिहाइड्रेटिंग, फोकस कर देती हूँ, एंटी डिहाइड्रेटिंग शील्ड है इसमें, ठीक है, ये फेस वॉश पे। तो फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन है, 70 ग्राम्स की है और 100 रुपीज़ की है ये भी, ठीक है। तो ये वाला प्रोडक्ट भी 100 रुपीज़ का है, 70 ग्राम की है और इसकी 2023 तक इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये वाला प्रोडक्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन ये मैंने यूज़ नहीं किया है। लेकिन जो इसके मतलब कि यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है एंटी डिहाइड्रेशन शील्ड है इसमें, तो मैं इसे ज़रूर यूज़ करूँगी और फिर आपको बताऊँगी ये कैसे लग रहा। तो उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन सब के बाद आती है ये खूबसूरत सी पैकिंग जो कि वाओ की पैकिंग की जैसी लगती है, एलोवेरा जेल, मी ग्लो एलोवेरा जेल कूलिंग एंड स्मूदिंग एलो एसेंस विद क्यूकम्बर फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन, ठीक है। 20% एक्स्ट्रा दे रहे हैं ये, और ये 1 टन की है, 110 रुपये की है, 2024 तक चलेगी, पैराबेन फ्री है इसमें भी। और इसकी स्मेल देख लेते हैं, इसकी स्मेल एज यूजल एलोवेरा जैसी आ रही है,
जो एलोवेरा की रेडीमेड होती है ना, ग्रीन ग्रीन सी लगती है इसमें। ठीक है, ओके, ट्रांसपेरेंट हो गई। ठीक है, स्मेल ठीक है। तो ये थे चार प्रोडक्ट जो कि मुझे गिफ्ट मिले थे। इनका कोई भी लिंक मेरे पास नहीं है। अगर आपको मार्केट में ये मिले, चाहे एक, मतलब एक साथ पैकिंग ना मिले, लेकिन मी ग्लो की अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है मार्केट में, तो आई थिंक सो आपको ले लेना चाहिए। 100 रुपये की इतनी बड़ी पैकिंग है और अच्छी पैकिंग है, और पैकिंग नहीं सिर्फ इसका प्रोडक्ट भी अच्छा है। ठीक है, फेस वॉश और फेस स्क्रब मैंने यूज़ किया है, दोनों मुझे बेहद ही पसंद आए, तभी मैंने आपके साथ शेयर किया है। क्योंकि ये सिर्फ एक गिफ्ट था मेरा, कोई वो शेयर करूँगी किसी के साथ, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने इसे ऐसी, इसकी पैकिंग भी फेंकी नहीं और मैंने इसे रख दिया कि मैं आप सभी के साथ मैं इसे शेयर किया हुआ है। सूट वाला, ये वाला मैंने पहले यूज़ किया हुआ है, ये वाला मैं यूज़ करूँगी आज। तो मैं मी ग्लो का रिफ्रेशिंग फेस वॉश एंटी डिहाइड्रेशन शील्ड यूज़ करने जा रही हूँ आज। तो ये कुछ ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा ले लिया मैंने, इतना नहीं लगेगा। मैं आपको दिखाने के लिए लिया है, ये देखिए, ये ऐसा कलर है, ऑरेंज ऑरेंज सा, ऑरेंज वाली स्मेल आ रही है इसमें, ऑरेंज जैसी स्मेल। चलो मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, ये तो ना पील ऑफ मास्क होता था पहले, आता था बड़ा ठंडा यार, जैसे ना स्किन मेरी ठंडी हो गई, ठंडी, खासकर यहाँ से सांस आ रही है वहाँ से, गर्मियों के लिए तो बहुत अच्छा यार। वाह, गर्मी में आप आओ तो ये ठंडा फेस वॉश से फेस वॉश करूँगा आज, क्या बात, सारा फेस ऐसे हो गया जैसे बर्फ लगी हुई। चलो मैं फेस को वॉश करके आती हूँ, फिर आपको इसका रिव्यू देती हूँ। हाँ यार, बहुत अच्छा है, स्किन अभी भी ना मेरी ऐसा, मतलब कि कूल इफेक्ट क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा रहती है, झाग इतनी बड़ी पानी के कॉन्टैक्ट में आने के बाद, पानी लगने के बाद ना ठंडक और ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा ठंडक होगी। तो गर्मियों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये वाला स्क्रब, मी ग्लो एप्रिकॉट का स्क्रब यूज़ करूँगी। अब मेरी स्किन थोड़ी ड्राई होगी, ठीक है, तो सिंपल ऑफ मुझे फिर से पानी लगाना पड़ेगा। तो फिर मैं ये जो एलोवेरा जेल है इसे भी यूज़ करती हूँ इसी में। तो पहले मैं अपनी स्किन को थोड़ा सा हाइड्रेट करूँगी इस जेल के साथ, उसके साथ उसके बाद मैं अपना जो स्क्रबिंग है वो करूँगी, क्योंकि स्क्रबिंग को कभी भी ड्राई फेस पे नहीं करना चाहिए। ठीक है, एलोवेरा जेल लगा लेंगे पहले थोड़ी सी, ठीक है, तो उसके बाद मेरी स्किन थोड़ी सी हो गई है, तो ये दोनों प्रोडक्ट यूज भी हो जाएंगे। मैं एलोवेरा जेल लगा के सो नहीं सकती, पता नहीं क्यों मेरे को ना अच्छी नहीं लगता, तीन लगा के सो सकती हूँ, टोनर लगा के सो सकती हूँ, लेकिन एलोवेरा जेल लगा के सो सकती हूँ। इसमें जो पार्टिकल्स है ना वो बहुत ही ज्यादा माइल्ड है आपकी स्किन पे, और बस आपने ये सर्कुलेशन मोशन में ऐसे करके करना है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं करना, ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। जितना मुझे पता है मैं उतना आपको बता रही हूँ, अपने नोज के यहाँ पे, यहाँ, ठीक है, अपने लिप्स पे अच्छे तरीके सारा प्रोडक्ट निकल जाए। वैसे दो तीन स्टेप होते हैं, ऐसे भी होता है, एक अपनी फिंगर्स ऐसे करके ना, ऐसे भी होता है, ऊपर की तरफ ही करना है, जो भी करना है ऊपर की तरफ करना, नीचे ऐसे ऐसे नहीं करना, ठीक है, ऐसे ऐसे करना ऊपर की तरफ, फिर ऐसे ऐसे ही होता है, कुछ फोरहेड को भी भूल मत जाइएगा, मैं भूल जाती हूँ। अंडर आई एरिया पे नहीं करते होते, तीन से पांच मिनट तक अपनी स्क्रबिंग करनी है, अपने हैंड्स को भी अच्छे से स्क्रब कर लीजिए इसके साथ ही, ताकि आपके हैंड्स की क्लीन हो जाए। ठीक है, तीन चार मिनट करने के बाद आपको अपना फेस को गुनगुने पानी से वॉश कर लेना, ना ही पानी ज्यादा गर्म हो, ना ही ज्यादा ठंडा हो, गुनगुने पानी से नॉर्मल टेम्परेचर के वाटर से अपना फेस को वॉश कर लेना। ठीक है, तो देखिए नीचे छोटे छोटे ना पार्टिकल्स, बिल्कुल माइल्ड पार्टिकल्स हैं, कोई इतना मतलब कि आपको हार्ड फीलिंग करवाएंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ होते हैं ना बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं, वो मेरी स्किन को डैम को ना छील देते हैं, तो उससे ये बहुत ही अच्छे हैं। बायोटिक मैंने यूज किया वो भी बहुत अच्छा है, माइल्ड होने चाहिए, जो बहुत हार्ड होते हैं वो तो आपकी स्किन को डैमेज करेंगे। सो ये मैंने लगा लिया, मैं वॉश करके फिर आती हूं और आपको दिखाती हूं स्किन। आई होप थोड़ी सी लगी है तो आप कर सकते हैं मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी, टेक केयर।